मोलोमार्च एंड कंपनी वर्सेस द कोर्ट ऑफ वार्ड्स। इस केस के फैक्ट्स इस तरह हैं कि इसमें राजा प्रताप चंद्र सिंह डब्ल्यू एन वाटसन एंड कंपनी को पैसा उधार देते हैं, बट डब्ल्यू एन वाटसन एंड कंपनी फेल हो जाती है वो पैसा लौटाने में, इसलिए वो राजा प्रताप चंद्र सिंह को पावर दे देती है कंट्रोल करने का अपने बिजनेस पर, और कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग राजा को कमीशन भी मिलेगी। और इसके अलावा वाटसन एंड कंपनी जो है राजा के फेवर में एक मॉर्गेज डीड भी साइन कर देती है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी राजा को अपना पैसा जो है वापस नहीं मिल पाता, और राजा जो है उस कंपनी के बिजनेस में भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। देन कुछ समय बाद डब्ल्यू एन वाटसन एंड कंपनी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है मोलोमार्च एंड कंपनी के साथ, जो कि यहाँ पर प्लेंटिफ है। वाटसन एंड कंपनी कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेती है प्लेंटिफ के साथ, लेकिन उसे फुलफिल नहीं कर पाती, इसलिए प्लेंटिव कंपनी जो है वो सूट फाइल कर देती है अगेंस्ट राजा एंड डब्ल्यू एन वाटसन कंपनी। प्लेंटिव कंपनी राजा को भी पार्टनर मानते हुए उसके भी अगेंस्ट सूट फाइल कर देती है, क्योंकि प्लेंटिव कंपनी को लगता है कि राजा जो है प्रॉफिट में शेयर ले रहा है इसलिए वो पार्टनर है। तो इस केस में जो इशू अराइज होता है वो यही होता है कि क्या राजा को पार्टनर कंसिडर किया जा सकता है इस बेसिस पर कि वो प्रॉफिट में शेयर ले रहा है। कोर्ट बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में अपना डिसीजन सुनाती है कि राजा को पार्टनर कंसीडर नहीं किया जा सकता। कोर्ट यहां पर कोक्स वर्सेस हिकमैन के केस में जो प्रिंसिपल और गाइडलाइंस लेड डाउन की थी उसको रेफर करते हुए ये कहती है कि यहां पर रियल इंटेंशन देखी जाएगी। यहां पर डब्ल्यू एन वाटसन एंड कंपनी और राजा की जो इंटेंशन थी वो पार्टनरशिप की नहीं थी। डब्ल्यू एन वाटसन एंड कंपनी को अपना कर्जा चुकाना था, इसलिए उसने राजा को पावर दी, कंट्रोल दिया अपने बिजनेस पर, राजा को प्रॉफिट में शेयर दिया। लेकिन सिर्फ उस प्रॉफिट में शेयर लेने की वजह से राजा को हम पार्टनर कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पर राजा और डब्ल्यू एन वाटसन कंपनी के बीच में जो रिलेशन है वो एक डेटर और क्रेडिटर का है। कोर्ट ये कहती है कि बेशक से ये दोनों अपने एग्रीमेंट को पार्टनरशिप का नाम दें, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इन दोनों की इंटेंशन है, रियल इंटेंशन जो है वो पार्टनरशिप करने की नहीं है। तो इसलिए राजा को पार्टनर नहीं कंसिडर किया जा सकता, और प्लेंटिव फर्म जो है मोलोमार्च एंड कंपनी वो राजा को स्यू नहीं कर सकती।